गुड मॉर्निंग क्लास बेटा, आज हम जो चैप्टर है हमारा 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, उसमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। तो व्हाट डज इट मीन? इससे पहले जो मेरी ऑनलाइन क्लास हुई थी, मैंने आप लोगों को उसमें ये समझाया था कि जो कार्बन है उसका जो नेचर है दैट इज़ वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब आप अपने आस पास जो भी देखते हैं बेटा, उस सब में कार्बन प्रेजेंट है। कार्बन प्रेजेंट अगर उन सब में नहीं होता तो हम ये नहीं कहते। आप अपने कपड़ों में देखिए, बिल्डिंग मटेरियल में देखिए, जो भी आपको आस पास नजर आ रहा है, कहीं भी निगाह दौड़ाइए, फर्नीचर में, खाने में, हर जगह क्या है? कार्बन। तो दैट इज व्हाई हमने क्या किया, कार्बन पढ़ने के लिए हमने उसकी एक ब्रांच ही अलग कर दी, एंड दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। अब जो कार्बन है वो इतने सारा जो डिफरेंट वेराइटी है वो क्यों देता है, वॉट इज द रीजन? इस पॉइंट को हम थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे। इस पॉइंट के दो रीजन है। पहला रीजन है आपका, फर्स्ट रीजन इज दैट के जो कार्बन है उसमें कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है। Now, what is catenation? Catenation मैंने आपको थोड़ा सा जब बॉन्डिंग के बारे में जिक्र किया था तो समझाया था कि what is catenation? Catenation is the property of the carbon or the other elements also, और बाकी elements का भी हो सकता है, in which an atom forms bonds with the same kind of atoms. मतलब carbon carbon के साथ bond बनाए, silicon silicon के साथ bond बनाए normally, और बहुत long chains बन जाए, दैट इज नोन एज कैटेनेशन। और ग्रुप 14 की ये प्रॉपर्टी है। ग्रुप 14 के जो मेंबर्स हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, ग्रुप 14 जो है कार्बन फैमिली है, तो उसकी ये नेचर है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करने का। मतलब कार्बन अपने ही जैसे ही कार्बन के साथ जुड़ जाता है, और कार्बन कार्बन के साथ जुड़ने के बाद क्या करता है, बहुत लॉन्ग चेन्स बना लेता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस इन अवर एनवायरमेंट अराउंड अस, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है। हम इसको थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे। कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। दीज कंपाउंड्स मे ऑल्सो हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन, ब्रांच्ड चेन्स ऑफ कार्बन एंड इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स। बिल्कुल लॉन्ग चेन्स होती है, बिल्कुल सिंपल जैसे आपकी डोरी होती है। ब्रांच चेन्स होती है कि कुछ ब्रांचेज आ गई, 2-3-4 आपने लिए स्ट्रिंग्स और उनको बीच में से भी ज्वाइन कर दिया लाइक दैट। और कुछ रिंग्स तो ऐसी होती हैं कि कार्बन इस तरह के होते हैं कंपाउंड्स कि वो रिंग बन जाते हैं, जैसे कि फुलर रिंग्स हैं। इन एडिशन टू दिस, कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। दीज आर द रीजंस कि कार्बन जो है वो इतने सारे बॉन्ड्स बनाता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन अटैचेस विद द अदर कार्बन ओनली बाय सिंगल बॉन्ड, एंड व्हेन कार्बन अटैच्ड बाय लिंक्ड बाय अदर कार्बन बाय यूजिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, दैट कंपाउंड इज नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। No other element exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon. Carbon जितनी नहीं है, silicon में है पर इतनी ज़्यादा नहीं है। Silicon forms compounds with hydrogen which have chains of up to 7 or 8 atoms. But these compounds are very reactive. The carbon-carbon bond is very strong and hence it is stable in nature. This gives us the large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. This is the first property that we called catenation. Second property is tetravalency. इसके बारे में मैंने उस दिन भी आपसे जिक्र किया था। Tetravalency. Tetra means 4.
वैलेंसी मींस चार इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, और कार्बन का कॉन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो दैट इज 2 एंड 4, तो कार्बन या तो चार इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या चार इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले। अब दोनों ही चीजें पॉसिबल नहीं है, ना तो कार्बन चार इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है अपने ऑर्बिट से और ना ही चार इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है और वो जो चार्जेस नया आएगा उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा उसका न्यूक्लियस, दैट इज द रीजन। तो इसलिए कार्बन क्या करता है, कार्बन शेयरिंग कर लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है दूसरे एटम्स के साथ और अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट कर लेता है, जिस वजह से हमारे दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी का मैटर भी सॉल्व हो जाता है और बॉन्डिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो द सेकंड पॉइंट इज टेट्रा वैलेंसी। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट। एग्जांपल मैं देती हूँ CH4, मीथेन। मीथेन सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, बॉन्ड्स बनाए, रिएक्शन नहीं कहूंगी, बॉन्ड बनाए, शेयरिंग की और अपना आउटर मोस्ट भी कंप्लीट कर लिया और हाइड्रोजन को भी आउटर मोस्ट कंप्लीट हो गया। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्मड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स, गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। One reason for the formation of a strong bond by carbon is its small size. This enables the nucleus to hold on to shared pair of electrons strongly, not the accepted or donated pair. So the bonds formed by the elements having bigger atoms are much weaker. So आपको ये दोनों पॉइंट समझ आए होंगे, and that is why carbon shows its versatile nature. Thanks, a student. Thanks for today.